नमस्कार, स्वागत है आपका ई विद्या चैनल नंबर 10 पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। यू आर वॉचिंग आवर चैनल एंड दिस सेशन इज फॉर क्लास 10 एंड द टॉपिक एंड सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स एंड द टॉपिक इज एरियाज ऑफ सर्कल। एंड टुडे यू लर्न इन दिस सेशन पार्ट 1 ऑफ दिस टॉपिक। एंड आवर एक्सपर्ट इज जॉइंड अस फ्रॉम कुरुक्षेत्र गीता निकेतन आवासीय विद्यालय, सविता ग्राहक मैम। मैम, वी वेलकम टू आवर शो। वी वेलकम यू। जी नमस्कार सर, और हमारे सभी दर्शकों को भी प्यार भरा नमस्कार। जी, और जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरैक्टिव सेशन है, तो इसमें आप हमारे साथ न सिर्फ सेशन में आप इस पार्ट को, इस टॉपिक को सीखेंगे, बल्कि इसके साथ साथ आप अपनी तरफ से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से, तो आप उसके लिए हमारे फ़ोन नंबर और ईमेल के ज़रिए हम तक लिख सकते हैं। फ़ोन नंबर आप नोट कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 8800440559। और इसके अलावा ईमेल एड्रेस के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। यू कैन राइट अस ऑन dth.class10@cieet.nic.in। तो इन माध्यमों से लगातार हमारे साथ बने रहिए और समझिए एरियाज ऑफ सर्कल्स पार्ट 1 में क्या आज आप पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पूरे इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर का बेस तैयार करेगा आज का सेशन आपके लिए, और अगले सेशंस में और एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन आज के सेशन में क्या सीखेंगे, शुरुआत करते हैं मैम। जी बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया दैट एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में डेफिनेटली हम एरिया ऑफ सर्कल्स की बात करेंगे, एंड विद दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट वेरियस पार्ट्स ऑफ अ सर्कल, जैसे कि व्हाट डू वी मीन बाय सेक्टर ऑफ अ सर्कल, व्हाट डू वी मीन बाय सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, और उनका एरिया क्या होता है। वी विल टॉक ऑल अबाउट दिस टुडे। सो डियर व्यूअर्स, आप ध्यान से सुनिएगा, योर नोटबुक एंड पेन शुड बी रेडी विद यू। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेम। सो सबसे पहले, सर्कल जो है दैट इज रियली नॉट अ न्यू फिगर टू एनी ऑफ यू। बहुत ही छोटी क्लास से, व्हेन यू वर इन क्लास KG और फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, तब से ही आप वेरियस सर्कुलर इमेजेस को पढ़ते आए हैं। और अगर मैं यूँ कहूँ कि जब से हमारा बर्थ हुआ है, तब से ही हम रियल लाइफ में सर्कुलर शेप्स को देखते रहे हैं। कुछ एक ऐसे ही सर्कुलर शेप्स हमारे सामने स्क्रीन पर विजिबल हैं, बटन्स ऑफ आर शर्ट, मम्मी जी की चपाती, दिस इज द DVD, और वेरियस जो हमारे पास साइंस होते हैं, साइन बोर्ड का जो शेप है वो सर्कुलर यहाँ पर दिखाया गया। तो सर्कल इज अ शेप विच इज रियली इंक्लूडेड इन आर लाइफ। आर्किटेक्ट के काम में सर्कुलर शेप्स देते हुए, वेरियस सेगमेंट ऑफ अ सर्कल लेते हुए, सर्कल की कोई कोड बनाकर, बहुत से ऐसे डिजाइंस हम रियल लाइफ में देखते हैं। तो क्या एरिया कितने पोर्शन का होगा, अगर हमें ये पता हो तो हमें रियल लाइफ में भी ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो लेट अस डिस्कस दैट व्हाट डू वी मीन बाय अ सर्कल। इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल, देन अ सर्कल इज द पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट। क्योंकि सर्कुलर फिगर हमने देखी है, लेकिन उस सर्कल को डिफाइन कैसे किया जाए, ये हम अभी इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। सो अ सर्कल इज द पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट इन अ प्लेन। किसी भी प्लेन में अगर हम किसी पॉइंट ने जो पाथ ट्रेवल किया, लेकिन डिपेंड करता है कि वो पॉइंट जो है दैट शुड ऑलवेज बी एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, एंड दैट गिवन पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ऑलराइट, तो हम क्या कहना चाहते हैं कि कोई एक पॉइंट जो कोई ऐसा पाथ ट्रेवल कर रहा है, दिस इज द पाथ विच ऑलवेज रिमेन एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, दैट पाथ ट्रेंड्स अ सर्कल। द सेम डेफिनेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज दैट अ सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन। ऑलराइट, और ये गिवन फिक्स्ड पॉइंट जो है दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस गिवन फिक्स्ड पॉइंट से अगर फिक्स्ड डिस्टेंस पर कोई पाथ डिजाइन किया गया है, तो ये सभी पॉइंट्स जो इस पाथ पर हैं, इन सभी की कलेक्शन जो है दैट फ्रेम्स अ सर्कल, एंड दिस फिक्स्ड डिस्टेंस इज नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो लेट अस डिस्कस अबाउट वेरियस पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू वी मीन बाय कोर्ड ऑफ अ सर्कल।
chord of a circle, it is actually a line segment which is joining any two points. ये definition हमने अपनी previous class में भी पढ़ी है, but first of all we will recall the same and then we will proceed towards the next concepts. So अगर हम circle और boundary पर कोई भी दो points ले लेते हैं, circle पर point P and point Q हमने लिया, और इन दोनों points को join करने वाला जो line segment है, this line segment PQ, that is known as the chord of a circle. After discussing about the chord, let us discuss the diameter of a circle. Definitely, the diameter is also a chord. हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो line हमें दिखाई दे रही है from point A to point B, this is also a line segment which is joining two points A and B on the boundary of the circle. But major thing is that it is passing through the center of the circle. यानी कि कोई भी ऐसी कोर जो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करती है, दैट इज नॉन एज द डायमीटर ऑफ आर सर्कल. सेंटर के डायमीटर के बारे में कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे. द वेरी फर्स्ट इज द कोर विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नॉन एज द डायमीटर एज वी जस्ट हैव सेड. देन डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोर. समटाइम्स वन मार्कर में हमें ये पूछ लिया जाता है दैट dash is the longest chord of the circle, or which what is known as the longest chord of a circle, so that is the diameter. क्योंकि diameter के ऊपर नीचे और आप कितनी भी chords अगर बनाने की कोशिश करते हैं, so definitely these all will be smaller in length, shorter in length than the diameter. So diameter is the longest chord of a circle, and all the diameters are equal in length. हम कितने सारे डायमीटर्स बना सकते हैं, वी कैन सी हियर डायमीटर आर ऑल द कोर्ड्स व्हिच आर पासिंग थ्रू द सेंटर. सो दिस इज आल्सो अ डायमीटर, अगेन दिस इज आल्सो अ डायमीटर. सो ऑल द कोर्ड्स व्हिच आर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल नोन एज द डायमीटर. और इन सभी डायमीटर्स की लेंथ जो है वो इक्वल होती है, और हम बोल सकते हैं दैट द डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सर्कल. डायमीटर is always double of the radius. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था that center का जो fixed point है वहां से circular boundary तक का जो distance है it is known as the radius. So this is also the radius. So radius plus radius is known as the diameter. So diameter is twice the radius of the circle. Now let us discuss about concentric circles. If we talk about concentric circles, concentric means all the circles whose center is same. Here we have drawn 1, 2, 3, 4, 5, 6 and many more circles jinke liye radii are different. Radius for the first circle is something else, for the second circle it is something else, then for the third, fourth, fifth, the radii are different, but all the circles are having the same point as their center. That point is point O here. So these all circles are known as the concentric circles. All right, after discussing about the concentric circles, our next topic is semicircle. When we draw any diameter of a circle, then that diameter divides the whole circle into two parts. This is one of the part and here is the second part. So both of these parts are known as the semicircle. Semicircle means half of the circle. So a diameter always divides a circle into two equal arcs, and these are known as the semicircle. Then circumference of a circle. Definitely the path which is covered by a point, that means this boundary, इसे हम बोलते हैं circumference of the circle. जैसा कि आप square, rectangle, ट्राइंगल, इन सभी शेप्स की जो बाउंड्री लाइन है उसे आप पेरीमीटर बोलते हैं. इन द सेम वे इफ इट इज अ सर्कल देन द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज नॉन एज इट्स सर्कमफ्रेंस. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एंड देन वी विल शेयर अबाउट द सेक्टर ऑफ अ सर्कल. सो हमने अभी जाना कि कोड किसे कहते हैं, आर्क किसे कहते हैं, हमें वो भी पता है. सो दिस इज आर्क ए सी बी highlighted here. This is the chord AB, और chord AB और arc ACB के बीच का जो area है, that area is known as the segment.
So we can say that the region between a chord and an arc is known as the segment of a circle. So definitely both of these are segment. This is also a segment. If I highlight it in yellow color, so this is also a segment definitely, because this is also the area covered between an arc and the chord. So the only difference is that this is the major segment and the area shaded in pink, that is the minor segment. Now let us discuss sector. Sector is again the region between an arc and two radii. If I am saying that OA and OB are two radii in this circle, and these two radii are inclined at an angle theta, then this is the arc and this green shaded portion is known as the major sector. That means the area between two radii and an arc is known as the sector. If that is inclined at an angle less than 180 degree, then we will say that it is the minor sector. And if the angle at the center framed between these two radii is greater than 180 degree, then that will be known as the major sector. Now let us discuss that how to calculate the circumference of a circle. The circumference of a circle, which we have already discussed about, and the diameter of a circle. So circumference of a circle bears a constant ratio with the diameter. And what that constant ratio, yani aap kabhi bhi koi bhi circle le lein, whether that is a very small circle, whether that is a very big circle, aapke paas koi 5 cm radius wala circle hai, aapke paas koi 5 km radius wala circle hai, doesn't make any difference. Lekin agar hum dono ki circumference ka ratio dekhte hain with its diameter, that will always be giving us a constant ratio, and that ratio is known as pi. Alright, और आप सभी को पता है that the value of phi is 3.14 something, which can also be written in its fractional form at 22 upon 7. Dear viewers, 22 upon 7 is actually not the accurate value of pi, but this is the approximate value of pi, so that it becomes easy for us to solve various questions. Now, circumference of a circle equals pi into diameter, which can be written as pi multiplied by 2r. So the formula to find the circumference of a circle becomes 2 pi r. Now let us discuss about the area of a circle. Jaisa ki humne abhi circumference calculate karne ke liye formula develop kaise hua wo discuss kiya, theek isi tarah se if we have a circle and we are dividing this circle into various sectors, इस सर्कल के हमने बहुत से डायमीटर्स ड्रॉ किए और उसके कारण हमारे पास दीज आर 16 सेक्टर्स एंड ऑल ऑफ दीज सेक्टर्स आर फ्रेमिंग इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. और इन सेक्टर्स को अगर हम कटिंग करके कुछ इस तरह से रखते हैं, दैट दिस इज द सेक्टर 1, देन सेक्टर 2, देन सेक्टर 3, देन सेक्टर नंबर 4, सेक्टर नंबर 5, सेक्टर नंबर 6. आप ध्यान से अगर व्यू करते हैं तो एक बार जो सेंटर पॉइंट है उसे हमने DC लाइन सेगमेंट के अलोंग रखा है, और दूसरी बार नंबर 2 जो हमारा सेक्टर था उसके लिए जो सेंटर पॉइंट है उसे हमने AB लाइन सेगमेंट के अलोंग रखा है. ठीक इसी तरह से वी हैव एडजस्टेड ऑल दी 15 सेक्टर्स, और 16 सेक्टर्स के दो बराबर हिस्से एकदम इसको हमने इस तरह से डिवाइड किया, एंड वन ऑफ द पीस हैज बीन placed here, other piece has been placed here. Definitely जो point O है, O point से A point तक, this is the radius, and this radius has been, yes, inclined here. So the value for BC is R. Actually what we are doing, हमने अपने circle को एक rectangle की shape में frame कर लिया है. अब डेफिनेटली जब हम अपने पूरे सर्कल को वेरियस सेक्टर्स में कट करके एक रेक्टेंगल की फॉर्म में रख रहे हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल जो है दैट विल बी इक्वल्स टू द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल. एंड वी नो दैट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज ऑलवेज लेंथ इनटू ब्रेथ.
So let us see what is the length of our rectangle and what is the breadth. अगर हम observe करें, so this semicircle that has been placed here and the other semicircle that is placed here, so we can say that the circumference of the circle has been divided into two equal parts along the line segment AB and BC. और सर्कमफ्रेंस थी 2 पाई आर, तो वैल्यू ऑफ ए बी है पाई आर. इसी तरह से सी डी इज ऑल्सो पाई आर, यानी हमारे पास लेंथ इज पाई आर फॉर दिस रेक्टेंगल ए बी सी डी एंड द ब्रेथ इज डेफिनेटली एज वी हैव डिस्कस्ड आर, यानी इस रेक्टेंगल का एरिया हुआ पाई आर स्क्वायर. द सेम हैज बीन मेंशनड हियर, दैट मीन्स एरिया ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज पाई into radius square, and we know that the area is always written in square units, so that's why the area is pi r square square units. Then area in enclosed between two concentric circles. Dear viewers, हमने अभी बात की concentric circles, वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है. तो यहाँ पर सर्कल C1 और सर्कल C2 दोनों को ऑब्जर्व करें. सो बोथ आर हैविंग द सेम सेंटर पॉइंट O. फॉर सर्कल C1 रेडियस इज स्मॉल r एंड फॉर सर्कल C2 रेडियस इज कैपिटल r. अगर हमें इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बीच में, दैट मीन्स दिस शेडेड एरिया को कैलकुलेट करना है, तो सिंपली क्या करना होगा, आपको अपना सर्कल C2 का एरिया निकालना है, आपको सर्कल C1 का एरिया निकालना है, और दोनों ही सर्कल्स के एरियाज को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन यू विल बी एबल टू फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन दीज टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. सो लेट अस सी व्हाट इज द फॉर्मूला देन. पाई आर स्क्वायर, विच इज द एरिया ऑफ द सर्कल C2, वी कैन से दैट एरिया ऑफ सर्कल C2 इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर and the area of circle C1 that is pi r square, and their difference is pi r square minus pi r square, which can also be written as this. Pi can be taken common, then it is pi into r square minus r square, and finally it is the algebraic identity that a square minus b square can be written as a plus b into a minus b. So it is giving us pi into r square minus r square, which is pi into r plus r into r minus r. इस तरह का एरिया हमें रियल लाइफ में निकालने की जरूरत पड़ सकती है. आप वेरियस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए आप सीलिंग पर पेंट होना है, और सीलिंग पर हम कई बार देखते हैं इस तरह से सर्कुलर डिजाइन जो है वो फ्रेम किए जाते हैं. सो जो सर्कुलर डिजाइन है उसमें यहां पर अगर कुछ अलग कलर का आपको पेंट करना है, यहां पर कुछ इस तरह से पीओपी का डिजाइन बना है, तो वो एरिया कितना होगा, इजीली हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. नाउ लेट अस प्रोसीड अहेड. एंड व्हाट इट इज, अ रेसिंग ट्रैक इज बाउंडेड बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. रेसिंग ट्रैक है और दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं. दोनों ही कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के लिए सर्कमफ्रेंसेज आर गिवन टू अस. फॉर द इनर सर्कल द सर्कमफ्रेंसेज 222 मीटर, एंड फॉर द आउटर सर्कल इट इज 286 मीटर. एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग अस फाइंड द एरिया ऑफ द रेसिंग ट्रैक. सो इफ वी हैव टू फाइंड द एरिया, डेफिनेटली एरिया ऑफ द रेसिंग ट्रैक जो है वो क्या होगा, दैट इज एज वी हैव डिस्कस्ड पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर. सो बेसिकली वी नीड द रेडियस ऑफ बोथ ऑफ द सर्कल्स विच आर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर. लेकिन क्वेश्चन में आपको रेडियस या रेडियाई नहीं दी गई है, आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ बोथ ऑफ द सर्कल्स दिया है. सो सिंपली वी कैन राइट दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बिगर सर्कल इज 286, विद द हेल्प ऑफ विच we can calculate that radius of that circle is 286 divided by 2 pi. If we talk about the circle C1, for that the circumference is given to be 220
with the help of which r is 220 divided by 2 pi. Alright, we will put both of the values here to find the area of our track. And when we put these values, 286 divided by 2 pi plus 220 divided by 2 pi, डियर व्यूअर्स, आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमने पाई की वैल्यू पुट करके सॉल्व क्यों नहीं किया. डेफिनेटली हम सॉल्व कर सकते हैं. वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ पाई और हम रेडियस की वैल्यू जो है वो डायरेक्ट इन मीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. बट इफ यू सॉल्व इट लाइक दिस, इवन देन द क्वेश्चन विल बी ईजी. सो इट इज पाई इन टू, ऑन टेकिंग 2 पाई एज एलसीएम इन द फर्स्ट एज वेल एज इन द सेकेंड ब्रैकेट, we are definitely getting here 486 plus 20, which is giving us 506. 1 pi can be cancelled, this 2 can be cancelled, and thus it is 200. I know that the calculation part will be quite easy for every one of you. At last, this pi is remaining, so you will put the value of this pi, and that value is 7 divided by 22. Actually, the value of pi is 22 upon 7, but pi is at the denominator. So when you will take it in multiplication, you will need to take the reciprocal of the same. All right. Now let us discuss about the central angle. जैसा कि हमने बात की कि किन्हीं भी दो radius के बीच में जो angle frame हो रहा है, that angle is known as the central angle. So the angle subtended by an arc or by any chord of a circle at the center is called central angle. Central angle ki hame zarurat kyun padi? Because with the help of this central angle, now we will come to know that how to find the length of an arc. In the given circle, this length of arc has been written as n. The radius of the circle is given by r, and the central angle is given to be theta. द सेंटर पॉइंट इज पॉइंट ओ. तो अगर हमें लेंथ निकालनी है, वैल्यू ऑफ एल कैलकुलेट करनी है, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? लेट अस सी. सी दिस लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस. हमें पता है कि जब 360 डिग्री का एंगल फ्रेम होता है, यानी कि जब हम पूरे सर्कल की बात करते हैं, तो पूरे सर्कल के केस में जो लेंथ है, जो सर्कमफेरेंस है, दैट इज 2 पाई आर. इफ द सेंट्रल एंगल बिकम्स 1 degree, then it is 2 pi r divided by 360, and here we are taking the central angle to be theta. For central angle theta, the length of the arc is 2 pi r theta divided by 360, or aap ise aisa bhi likh sakte hain that theta divided by 360 multiplied by 2 pi r. Or length of arc can also be written as pi r theta whole divided by 180 degree. This is really a very important formula. We all need to understand the same and then apply the same for solving various questions. Now let us discuss about the area of a sector. Okay, now we are talking about the area. Definitely 360 degree ke liye jo area hai wo rehta hai pi r square. 1 degree ke liye pi r square upon 360 degree, and then for the central angle to be theta, the formula is pi r square theta upon 360 degree. So this is basically the area of a sector. So today we have learned about various parts of a circle: major segment, minor segment, then length of an arc, area of a sector, concentric circles ke beech ka area, and in the same queue, in the same sequence, in our next session we will discuss about the area of a segment and we'll also solve various questions related to the same. All right. Right. So I hope that in today's session learners are able to understand the process, how they can solve the, how they can identify the areas of any circle, and very important session it was, and definitely the upcoming session on this topic will definitely help our students, learners, to understand the topic in entire
aspect in total aspects. Thank you so much, ma'am, for joining us and teaching our students about areas of circles in today's session. Thank you so much, ma'am. जी, थैंक यू. और शुक्रिया कहना चाहूँगा अपने जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उनका भी लगातार जो हमारे साथ बने रहते हैं ईविद्या पर, और शिक्षा जागरूकता के इन कार्यक्रमों से लगातार वो सीखते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, इंस्पायर होते रहते हैं. इसी तरह से आप लगातार हमारे साथ बने रहिए ईविद्या पर. तमाम शिक्षा के और जागरूकता के कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं. अगला जो सेशन होने वाला है वो 3 बजे हम लेकर आएंगे. क्लास 9th के लिए साइंस का साइंस का सब्जेक्ट रहेगा और टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. सो इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये सेशन. आप लगातार हमारे साथ बने रहिए अगले सेशन के लिए भी, और आगे बढ़ें और अपने दर्शकों से विदा लें उससे पहले एक ज़रूरी सूचना पाठ्य पुस्तकों के संबंध में आपको दे दें. 2023 और 24 एकेडमिक सेशन जो चल रहा है उसमें कई पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तन किए गए हैं, आप जानते हैं, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत. और अगर आप तक अभी कुछ पाठ्य पुस्तकें नहीं पहुँची हैं तो आप उन्हें परचेज कर सकते हैं. उसके लिए तमाम ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं. आप विजिट कर सकते हैं NCERT के सेल्स काउंटर्स जो अवेलेबल हैं देश के अलग अलग जगहों पर, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और गुवाहाटी में. और घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट ncertbooks.ncert.gov.in पर. और PDF वर्जन डाउनलोड करने के लिए लॉग ऑन कीजिए NCERT ई पाठशाला और दीक्षा की वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन. तो लगातार पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जागरूक होते रहिए, जागरूक करते रहिए अपने आसपास के लोगों को और आगे बढ़ते रहिए. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. नमस्कार.